दोस्तों, फर्न की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में। बट अभी तो फिलहाल मैं कुछ दिनों के लिए आई हूँ यूरोप की एक नई कंट्री, जहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ। नाम देख के तो आपको पता ही लग गया होगा, इट्स क्रोएशिया। और अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स फैन हो तो यू नो दिस प्लेस, किंग्स लैंडिंग, डुब्रोनिक। तो डुब्रोनिक में कुछ दिनों के लिए मैं रहने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा सारा एक्सपीरियंस कि अगर आप ट्रिप प्लान करते हो डुब्रोनिक के लिए तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, क्या कर सकते हो और कौन से वो गेम ऑफ थ्रोन्स के जो शूटिंग लोकेशंस है वो भी कौन से है, वो भी सारे आपको पता लग जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और डुब्रोनिक में कहाँ रह सकते हैं इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर रिजॉर्ट्स भी है। और वो जो रिजॉर्ट्स है थोड़ा सा डुब्रोनिक ओल्ड टाउन जो है उससे दूर है, बट बहुत ही बेस्ट लोकेशन पे है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं रह रही हूँ ऐसी एक जगह पे जिसका नाम है वलामर लक्रोमर डुब्रोनिक, जो कि लपाड़ एरिया में है। तो ये बहुत ही एक फेमस रिजॉर्ट है, मैंने बड़े अच्छे रिव्यूज सुने हैं इनके, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे रहते हैं। क्योंकि ना एक ही जगह पे आप आओ रिजॉर्ट के अंदर स्विमिंग पूल, सोना, स्पा, मसाज, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस भी है, प्लस ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारे आप मेन्यू मतलब ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड बेस्ट चीज़ है कि हार्डली 2 मिनट वॉकिंग पे यहाँ पे बीच है, तो ये सारी रिजॉर्ट की फैसिलिटीज़ भी है एंड जो सिटी सेंटर है वो भी आराम से यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। तो अभी तो मैं दिखाती हूँ आपको, क्विकली एक टूर देती हूँ कि कैसा है अंदर से रिजॉर्ट और फिर हमें आगे भी निकलना है। चलो, रिजॉर्ट को इतने सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, राइट फ्रॉम 2013 से लेके 2021 तक इनके सारे जो अवार्ड्स है यहाँ पे लिखे हुए हैं। वाओ, दैट्स नाइस। तो ये वो एरिया है, कॉमन एरिया, यहाँ से बहुत सारे रिजॉर्ट शुरू हो जाते हैं। एंड यहाँ पे एक लेन है जहाँ पे है सुपरमार्केट एंड मिनी मार्केट और बीच के सारे एसेंशियल चीजें भी मिल जाती है। Staying in this resort in Dubrovnik is ये देखो, रूम के बाहर दिख रहा है ये ब्यूटीफुल सा सनसेट। और रिजॉर्ट अंदर से कैसे दिखता है ये तो आपने देख लिया। और अभी मैं निकल रही हूँ डुब्रोनिक ओल्ड टाउन जाने के लिए। तो वैसे होटल के बाहर ही यहाँ पे एक बस स्टॉप है, तो 6 नंबर की बस जो है डायरेक्टली हमें ओल्ड टाउन पहुँचाएगी 15 मिनट में, तो ये तो बढ़िया ऑप्शन है। सो लेट्स गो। बस के अंदर आ गए हैं और ड्राइवर से डायरेक्टली टिकट मिल जाती है यहाँ पे बस के अंदर, तो 15 कुना की ये टिकट है जो कि ओल्ड टाउन के लिए है वन वे। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ डुब्रोनिक के ओल्ड टाउन एरिया में। पहले ही ग्लिम्स में ऐसा लगता है कि मैं किसी मिडिवियल टाइम में आ गई हूँ, ऐसे पूरा आर्किटेक्चर है ना यहाँ का। बट पहले ही ग्लिम्स में यहाँ पे मुझे ये वॉल दिखी है जहाँ पे सारी भीड़ है, तो ये बेसिकली है डुब्रोनिक ओल्ड टाउन की वॉल। बाहर से तो लगता है कि कोई कैसल वैसल होगा, यहाँ से पता किया कैसल नहीं है, वॉल है जहाँ के जिसके ऊपर भी आप जा सकते हो, वॉक कर सकते हो, ऐसा कुछ है। तो चलो चलते हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं क्या है देखते हैं अंदर। यार ऐसा लग रहा है मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के सेट पे आई हूँ। जस्ट ये वॉल क्रॉस करी एंड उसके बाद एंटर होते ही लुक एट द व्यू। ये डुब्रोनिक ओल्ड टाउन इतना क्यूट लगा मुझे, ऐसी छोटी छोटी गलियां, ऐसे सारे स्टोन से बने हुए वॉल्स। एंड सबसे डिफरेंट चीज जो लगी है वो है यहाँ की मार्केट एरिया। और इन मार्केट एरिया में दिखी है बहुत ही डिफरेंट चीज, जैसे शॉप जो होते हैं उनके नाम कैसे शॉप के बाहर लिखे होते हैं ना, पर डुब्रोनिक में ऐसा नहीं है। डुब्रोनिक में जो शॉप के नाम है ये देखो, ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, ऐसे ये लाइट का जैसे लैम्प होता है ना उसके ऊपर ये लिखा हुआ है टूरिस्ट इन्फो। प्लस ये दूसरा सिल्वर एंड गोल्ड की जो शॉप है इसके लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है जोसीपा ज्वेलरी शॉप। तो ये बहुत ही डिफरेंट लगा ना, ऐसा तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा था। एंड नाउ इट्स फूड टाइम। बहुत भूख लगी हुई थी, एक रेस्टोरेंट दिखा है जिसका नाम है जामनी का, जो कि 1828 का रेस्टोरेंट है। और ऑर्डर किया है कुछ ऐसे, ये है रिजॉर्टो जो कि सी फूड रिजॉर्टो है, राइस, वेजी, सी फूड एंड चीज, एंड ये है सी फूड पिज्जा। और
ओल्ड टाउन के वॉल के बस दूसरी तरफ है एक केबल कार स्टेशन जो लेके जाती है पहाड़ों के ऊपर। डुब्रोनिक के पहाड़ों से दिखेगा पूरा हमें डुब्रोनिक का व्यू। तो ये भी एक वन ऑफ द एक्टिविटी है जो कर सकते हैं यहाँ पे, और केबल कार स्टेशन जो है एग्जैक्टली यहाँ पे ही है। और वैसे इसका जो टिकट है वो है 200 कुना, तो अभी यूरो में मेरे को पता नहीं है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी। तो चलते हैं वहाँ पे, 10 मिनट में आने वाली है केबल कार। लेट्स गो। ये है वो केबल कार स्टेशन, चलते हैं आगे और यहाँ से टिकट लेते हैं। यहाँ पे डिटेल्स भी है, वन वे टिकट चाइल्ड के है 30-50 राउंड टिकट एंड एडल्ट्स के लिए 200 कुना। और ये टिकट आ गई है जिसे यहाँ पे हम स्कैन करेंगे और केबल कार के अंदर आ गए हैं एंड शुरू हो गई है। देखो ऊपर जा रही है और मैं इसलिए यहाँ पे खड़ी हूँ क्योंकि यहाँ से दिखेगा हमें पूरा व्यू। और ये पहुंच गए हम ऊपर और व्यूज देखो, पूरा डुब्रोनिक दिख रहा है यहाँ पे, इतना सुंदर लग रहा है। सारे रेड कलर के रूफ्स दिख रहे हैं एंड वो फोर्ट भी दिख रहा है। वो वॉल देखो, ये वॉल जो आपको लंबी दिख रही होंगी वो ओल्ड टाउन उसके अंदर है, वॉल के उस तरफ राइट साइड पे। और मैं और थोड़ा सा ऊपर आई हूँ, ये हाईएस्ट है इस वाली एरिया में, ऑब्जर्वेशन डेस्क वाली एरिया में, बहुत हवा चल रही है बट कितना सुंदर लग रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पे आने के बाद मतलब इतनी अच्छी भी नहीं है कि जब आप फ़ोटो लेना चाहते हो ना तो ये पूरा केबल कार का जो सेटअप है वो सारे फ़ोटोज़ में सारे वीडियोज़ में वो आपको तारे दिख जाती है। तो फ़ोटो के लिए बिना केबल कार वाला तो यहाँ पे है नहीं, लोकेशन कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ पे भी खड़े रहोगे तो पीछे केबल कार की वायर्स तो आ ही जाएगी। और यहाँ से तो पूरा डुब्रोनिक दिख रहा है एकदम पास से। मुझे पहले लग रहा था यहाँ पे कॉइन इंसर्ट करके ये वर्क करेगा, पर ये डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ से पूरी वॉल भी दिख रही है, वॉल पे लोग जो चल रहे हैं वो भी दिख रहा है। और वापस मैं आ चुकी हूँ अपने रिजॉर्ट, और जो केबल कार का एक्सपीरियंस है वो आपने देख ही लिया। और वो जो है ना केबल कार, आप रात के 12 बजे तक कर सकते हो, वो सुबह 9 से रात के 12 बजे तक रहता है शुरू। एंड मुझे तो ठीक ही लगा क्योंकि ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो गई एंड जब फोटो लेने की कोशिश करी तब वो सारी वायर्स उसमें आ रही थी। और वैसे अभी मैं रिजॉर्ट आ रही हूँ, आई एम नॉट श्योर, मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ ना रिजॉर्ट में, वहाँ पे मैंने लिया है हाफ बोर्ड ऑप्शन। तो हाफ बोर्ड मतलब जब आप ऐसे रिजॉर्ट में रहते हो या होटल्स में रहते हो तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप ब्रेकफास्ट ही ले सकते हो या फिर ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इसको फुल बोर्ड कहते हैं। एंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर मतलब हाफ बोर्ड। तो हाफ बोर्ड लिया है क्योंकि मतलब मुझे लगता है इन रिजॉर्ट्स में ना बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है, एवरी डे अलग अलग मेन्यू होता है और लोकल डिशेस भी मिलती है वहाँ पे। स्पेशली आपको बाहर जाके रेस्टोरेंट नहीं ढूंढने पड़ते कि अच्छा चलो आज क्या खाने के लिए जाए, और उस चक्कर में जंक फूड भी खाया जाता है। तो मुझे ये वाला ऑप्शन सही लगा तो इसलिए इस बार मैंने ये लिया हुआ है। चलते हैं अंदर, दिखाती हूँ आपको क्या क्या है डिनर में। Now it's time for breakfast. तो चलते हैं breakfast करने के लिए। अपग्रेड मिला है वलामर के ही सिस्टर प्रॉपर्टी जो है प्रेजिडेंट, जो कि इन्हीं के प्रिमाइजेज में है बट वो 5-स्टार प्रॉपर्टी है। तो आपको वो वीडियो देखनी होगी तो वो भी वीडियो देखना ज़रूर, मैंने उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाई है। और ब्रेकफास्ट होने के बाद मैं आ चुकी हूँ वापस डुब्रोनिक ओल्ड टाउन, क्योंकि करनी है कुछ एक्टिविटीज़। जैसे यहाँ पे एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टिविटी है सिटी वॉल्स वॉक करना, तो उससे आपको पूरा डुब्रोनिक का जो अदर साइड जो है उसके भी व्यू मिल जाते हैं। तो एक्चुअली जो टिकट है ना सिटी वॉल्स के लिए दैट इज़ 250 कुना,
बट एक दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप डुब्रोनिक कार्ड लेते हो 1 डे 3 डे या 7 डेज का, जैसे मैंने तो लिया है 1 डे का कार्ड जो कि 250 कुना का है, बट इसमें क्या है सिटी वॉल्स का भी इंफ्रेंस इंक्लूडेड है, प्लस यहाँ पे बहुत सारे आप म्यूजियम्स जा सकते हो, आर्ट गैलरी जा सकते हो, प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फ्री मिल जाता है। तो मैंने 1 डे का लिया है तो 24 आवर्स के लिए आई कैन यूज़ एवरीथिंग, तो मैंने सोचा ये सही ऑप्शन होगा, तो आपके लिए भी एक सही ऑप्शन है अगर आपको 1 डे 3 डे उसके अकॉर्डिंगली आप कार्ड ले सकते हो। एंड अभी तो चलते हैं ऊपर एंड देखते हैं कैसे है सिटी वॉल्स यहाँ के और कैसा है यहाँ से व्यू। तो जो पिले गेट है और जो मेन फाउंटेन है उसी के पास यहाँ पे एंट्रेंस है, ये 8 बजे से 7:30 बजे तक ओपन रहता है। एंड अभी चलते हैं, अपने पास तो डुब्रोनिक कार्ड है सो टिकट लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी से चलते हैं ऊपर। और वॉल के ऊपर आते ही दिखता है यहाँ से पूरा ओल्ड टाउन का व्यू, ये देखो यहाँ से हम चल रहे थे और इन्हीं स्टेयर से ऊपर आए और यहाँ पे देखो राइट साइड पे वो फाउंटेन भी है। कितना प्यारा व्यू आ रहा है और सारे जो रूफटॉप है एकदम रेड कलर के रूफटॉप दिख रहे हैं यहाँ से, और एक मैं बहुत ही आपको बढ़िया व्यू दिखाती हूँ। सिटी वॉल्स की तो टूर हो गई है और अब लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे कोई आसपास जगह और एंजॉय करते हैं अभी लंच। और डुब्रोनिक ओल्ड टाउन एरिया में मैं आई हूँ लंच करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह जिसका नाम है रिपब्लिक बर्गर हाउस। मैंने मंगाया है एक फिश बर्गर भी टू बी स्पेसिफिक, ये है ऑक्टोपस बर्गर। तो ये जो पैटी है ये ऑक्टोपस की बनी हुई है और ये है मेडिटेरियन सैलेड। तो खाना तो हो गया है, बहुत ही टेस्टी बर्गर्स थे, तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस, स्पेशली अगर सी फूड बर्गर्स आप ट्राई करना चाहते हो तो। एंड अगर आप बीफ खाते हो तो यहाँ पे बर्गर ऑफ थ्रोन्स ये वाला बर्गर का ऑप्शन भी है। और इसके बाद हमें करनी है कुछ एक्टिविटीज थोड़ी देर में, और वो क्या है, हम करने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की टूर, जहाँ पे हमें पता लगेंगे कि वो कौन से सारे लोकेशन है जहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई थी। तो स्टे ट्यून्ड। एंड गेम ऑफ थ्रोन्स जो टूर है वो शुरू हो गई है, एंड टूर शुरू होते ही हम सबसे पहले जिस लोकेशन पे आए हैं वो है एक आइकॉनिक स्पॉट जहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे शॉट्स शूट हुए हैं। तो आपको अगर पता होगा डुब्रोनिक में season 2 से season 8 तक शूटिंग हुई है, एंड मेरे पीछे एग्जैक्टली जो आप देख रहे हो ये लोकेशन, ये एक बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन है जहाँ पे एक शॉट पिक्चराइज हुआ है। कौन सा है अगर आपको याद आ जाता है तो नीचे कमेंट्स में बताना, आगे आपको वीडियो में पता लग ही जाएगा। और अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे। वैसे गाइड ने बताया कि जब गेम ऑफ थ्रोन्स का यहाँ पे शूट होता था तब भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी शूट करते वक्त, क्योंकि वो इतने वेल ऑर्गेनाइज थे कि यहाँ का जो लोकल टूरिज्म इफेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि शूटिंग हुई थी जुलाई के अराउंड, जुलाई अगस्त में हर सीज़न की। तो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात लगी। और दूसरी चीज़ ये पता लगी कि बहुत सारे सीन्स जो है वो CGI इफेक्ट लगा के चेंज किए गए थे, पूरा एग्जैक्ट का एग्जैक्ट शॉट हार्डली कुछ सीन्स में है, बाकी सारा CGI इफेक्ट से चेंज किया था। और पीछे है वो द फेमस वॉक ऑफ शेम लोकेशन, एंड गाइड ने कहा ये पूरे शूट का सबसे एक्सपेंसिव शॉट था बिकॉज यहाँ के सारे जो बार्स रेस्टोरेंट्स जो भी सारा एरिया है वो सारा बंद करना पड़ा। और जस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स की जो वॉकिंग टूर है अभी ख़त्म हुई है, और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। 2 आवर्स की ये टूर थी जो मैंने करी थी डुब्रोनिक वॉक्स जो है उनकी कंपनी के थ्रू, एंड जो गाइड है ना वो भी बहुत ही इतना मज़ेदार थे क्योंकि उन्होंने ना खुद गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज़ में एज अ एक्स्ट्रा काम किया था, तो ही शेयर्ड हिज रियल एक्सपीरियंसेस कि कैसे माहौल होता था सेट पे, तो वो सारी कहानियाँ भी सुनने को मिली। एंड और एक चीज़ है, ये कोई मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस मुझे यू नो ये ठीक लगा इसलिए मैं बता रही हूँ कि इनके थ्रू आप बुक करते हो ना तो आपको जो रेप्लिका है थ्रोन का वो भी
वहाँ पे फोटो खींचने का मौका मिलता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले मैंने भी वहाँ पे पिक्चर्स लिए, तो दिस इज समथिंग विच आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड. एंड नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक होम. आज था आखिरी दिन और आखिरी दिन है तो जाना है वापस घर. वैसे मुझे बहुत सारे सवाल आए इंस्टाग्राम पे जब मैंने स्टोरी डाली डुब्रोनिक और क्रोएशिया के बारे में, तो बहुत सारे सवाल आए कि कब आना चाहिए यहाँ पे एंड कितने दिन के लिए आना चाहिए एंड ये सारी चीज़ें. तो क्विकली बता देती हूँ, यहाँ पे जो लोगों से भी फीडबैक मिला है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे मई जून अच्छा टाइमिंग है, जुलाई अगस्त भी अच्छा टाइमिंग है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी होगी यहाँ पे समर टाइम में और क्राउड भी बहुत ज़्यादा होगा, प्लस प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं समर टाइम में, तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो. प्लस वेरी इंपॉर्टेंट है, विंटर टाइम में बिल्कुल नहीं आना है. हर किसी ने यही कहा है विंटर टाइम पे यहाँ पे पूरा एकदम कोई नहीं होता, सब कुछ बंद होता है. तो नवंबर से फरवरी देर इज़ नो चांस, मतलब नहीं आओ तो बेहतर है, यहाँ पे कुछ नहीं करने मिलेगा. एंड दूसरी चीज़ है कि कितने दिन क्रोएशिया में आ सकते हैं. तो देखो क्रोएशिया तो बहुत बड़ा है, अलग अलग जगह है, जैसे डुब्रोनिक, स्प्लिट, ज़ाडार, ज़ाग्रेब, ये सारी स्ट्रेच आप कवर कर सकते हो. बट अगर मैं बस डुब्रोनिक की बात बताऊँ तो डुब्रोनिक कैन बी डन इन लाइक 2 डेज, बहुत कुछ ऐसा बड़ा है नहीं आसपास, मतलब मेन आप डुब्रोनिक 2 दिन में देख सकते हो या फिर 3 दिन जस्ट टू एक्सपीरियंस एंड चेक द आइलैंड्स अराउंड. तो बस ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई है. एंड ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं रिजॉर्ट में रह रही हूँ तो ये मैंने कैसे बुक किया एंड ऑल, सब कुछ मैं booking.com से किया है. और एक सवाल पूछा गया था कि मैंने किसी टूर एजेंट से बुक किया है या कुछ किया, तो मेरे सारे जो ट्रैवल होते हैं वो सब मैं रिसर्च करती हूँ और खुद यू नो स्टडी करती हूँ कि कौन सी सही जगह है क्या है. तो ये सारे मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने ये आइटिनरी बनाई है. तो ये रहे सारे डिटेल्स एंड नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक टू डुब्रोनिक एयरपोर्ट, लेट्स गो. तो लेटेस्ट स्टेटस ये है कि पासपोर्ट कंट्रोल, सिक्योरिटी चेक, ये सारी चीज़ें 10-15 मिनट में हो गई थी डुब्रोनिक एयरपोर्ट पे, बट फ्लाइट जिस टाइमिंग पे स्केड्यूल थी फ्रैंकफर्ट जाने के लिए वो हो गई है डिलेड और जो नया टाइम है वो है रात के 10:30 और 2 घंटे है. तो जब तक मैं फ्रैंकफर्ट पहुंचूंगी 2 घंटे में, तब तक तो 1:30 बज जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते, तो ये वीडियो करनी होगी यहीं पे ही एंड. तो अभी हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. अगर अब तक ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपके चैनल फॉरेन की दुनिया पे. और अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में. अंटिल देन, ऑफ यू द सेम.